हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के न्यू व्लॉग में। फ़िलहाल अभी सुबह के बजे 6:15 है और मैं घर से निकल चुका हूँ जींद नाना के घर जाने के लिए। वहाँ पर थोड़ा काम है तो फिर उसके बाद वहाँ का काम करने के बाद वहाँ से 10:15 बजे ट्रेन चलती है सफ़ीदों के लिए। फिर वहाँ से चलेंगे सफ़ीदों के लिए और सफ़ीदों आने के बाद फिर हमने जो सफरी सिलेक्ट किया था वो घर लाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर गेहूँ की कटाई का सीजन चला हुआ था वो भी पूरा हो गया है और जो उसके बाद तोड़ी बनाने का काम था वो भी कंप्लीट हो गया लगभग। यहाँ पर एक आधी जगह ही बचा हुआ है जहाँ पर थोड़ा काम बचा हुआ है, नहीं तो सारा काम पूरा हो चुका है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए आप जहाँ भी देखेंगे ना दूर दूर तक कहीं पर भी गेहूं की फसल नहीं मिलेगी आपको। करीब थोड़ी देर बाद मुझे गांव का साधन मिल जाता जिस पर मैं बैठने के बाद सफ़ीदों की शहर रवाना हो जाता हूं और करीब 10-15 मिनट के बाद मैं फाइनली सफ़ीदों शहर पहुंच जाता हूं और वहां पहुंचने के बाद मैं स्टेशन के लिए पैदल निकल जाता हूं जहां से स्टेशन करीब 10-15 मिनट का रास्ता रहता है। तो फिर 10-15 मिनट पैदल चलने के बाद मैं फाइनली सफ़ीदों स्टेशन पर पहुंच जाता हूं जहां पर मेरा काम होता है पहले टिकट लेने का। तो मैं टिकट लेने के बाद बाहर की साइड आ जाता हूं जहां पर मुझे ट्रेन मिलेगी। ट्रेन आने में करीब 7 से 8 मिनट का समय बाकी था तो मैंने सोचा कहीं पर बैठने की जगह देखी जाए। तो मैं बैठने की जगह देखता हूँ तो हर जगह बेंच पर धूल जमी हुई होती है। तो फिर मैंने सोचा बैठकर क्या करेंगे तो ट्रेन का वेट कर लेते हैं। करीब 7 या 8 मिनट का वेट करने के बाद फाइनली सफ़ीदों स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है और थोड़ी देर ट्रेन के रुकने का वेट करने के बाद मैं बिना कोई देर किए ट्रेन में चढ़ जाता हूं। और जैसे मैं ट्रेन के अंदर जाता हूं तो वहां पर हर सीट पर धूल जमी हुई होती है। तो फिर इसके देखने के बाद मेरा बैठने का मन तो नहीं करता लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर मैंने काफ़ी सीटों पर देखा धूल जमी हुई होती है। तो फिर मुझे एक सीट पर एक साइड कपड़ा रखा हुआ मिलता है, वो कपड़ा उठाने के बाद मैं एक सीट को साफ़ करने के बाद सीट पर बैठ जाता हूँ और करीब 1-2 मिनट बाद सफ़ीदों से ट्रेन जींद के लिए रवाना हो जाती है। अभी जींद पहुंच चुका हूँ जींद स्टेशन पर। अब बस यहीं से थोड़ी दूर मामा का घर है फिर वही जाएंगे। तो भाई फिलहाल अभी 4 बजने वाले हैं और 4:15 बजे यहाँ से ट्रेन चलती है। अब बस जल्दी से पहुँचते हैं, पहले टिकट भी लेनी ज़रूरी है और फिर टिकट लेने के बाद फिर ट्रेन में बैठेंगे। नहीं तो बस डर लगा रहता है कहीं कोई चेक करा जाए। तो सबसे पहले ये देखें मतलब ट्रेन कितनी देर में चलेगी फिर उसी हिसाब से पहले टिकट लेंगे। वही फिलहाल ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन भी अभी चल पड़ी है 4:05 मिनट का पूरा। तो बस करीब 1.25 घंटा लगेगा सफ़ीदों पहुँचने में, फिर उसके बाद हमारा जो काम रहता है वो करते हैं।
तो भाई फिलहाल जैसे मैं सुविधा पहुँचा, आगे बहन मिल गई थी, तो वहाँ से हमने मतलब फ्रिज पसंद करके, वहाँ दुकान वाले बोले कि हम पहुँचा देंगे घर पे, तो उन्होंने रिक्शा वाले से बात की है, बस अब थोड़ी देर में फ्रिज आ जाएगा, और उससे पहले हम अभी गांव आ गए हैं, थोड़ी देर में फ्रिज आएगा तो आपको वीडियो में दिखाएंगे कि हमने कौन सी कंपनी का फ्रिज लिया है। तो फिर सबसे पहले घर चलते हैं, थकान भी बहुत हो गई है और गर्मी भी ऊपर से ज़्यादा है। तो अभी फिलहाल दोस्तों हमारे घर फ्रिज आ चुका है, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं, फिलहाल अब इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। तो भी फिलहाल दोस्त अभी रात के बजे से लेना और हमारा खाने पीने भी कंप्लीट हो चुका है। हमने मतलब जो फ्रिज लेके आए थे ना, पहले सोच रहे थे बाहर ही रख दे रसोई के बाहर, लेकिन फिर बाद में घर वाले बोले कि मतलब रसोई के अंदर ही रख देते फ्रिज को। तो फिलहाल हमने फ्रिज को यहाँ पे रखा है, जैसे ही हम रसोई में अंदर आएंगे ना तो सामने हमें फ्रिज रखा हुआ मिलेगा। तो बस अपने ब्लॉग की आज एंडिंग यहीं पर करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आएगा, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल वाले लोग में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।